आज अपन लोग चैलेंज करने वाले हैं ओनली आपका, यानी कि जो ट्रैक्टर इसके ऊपर चढ़ जाएगा वो होगा हमारा आज का विनर। बट यार प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सारे ट्रैक्टर के अंदर पावर सेम नहीं है और इसका स्टेयरिंग भी सेम नहीं है। तो सबसे पहले हमने ले लिया ये स्वराज का एक ट्रैक्टर जो कि सबसे पहला नंबर का और दिखने में काफ़ी बढ़िया और शानदार ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर को हम सबसे पहले ऊपर ले जाने वाले, अगर ये ट्रैक्टर चढ़ गया तो ये भी हमारा विनर हो सकता है। बट मेरे को इससे उम्मीद बहुत कम है क्योंकि ये ट्रैक्टर सबसे पहले वाला है और इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। ठीक है, तो अब जल्दी से इसको ऊपर लेके चलते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार ये चीज़ जाए। लेकिन नहीं 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 यार, ये इसके अंदर पावर तो है बट ये इसका स्टेयरिंग इतना तगड़ा नहीं है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी इतनी बढ़िया नहीं है जिस कारण से ये नहीं जीत पाएगा कैसे भी करके। ठीक है, तो और ये संभालने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है ट्रैक्टर को कैसे भी करके, मतलब मैं इसको संभाल नहीं पा रहा हूँ। तो इसको करते हैं अपन लोग चेंज क्योंकि ये ट्रैक्टर इतना अच्छा नहीं है। अब अपन लोग लेते हैं HTM वाला ट्रैक्टर, यानी कि HTM वाला ट्रैक्टर जो कि काफ़ी तगड़ा और शानदार है। लेकिन इसके प्रॉब्लम ये है कि यार इसको एक्सीलरेट करते ये भागते ही जा रहा है, यानी कि मेरे से रुक भी नहीं रहा है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है एक तरीके से। देखो ये इसकी स्पीड भाई, और देखो ये आगे की तरफ चला गया, मतलब रुक ही नहीं रहा है ये देखो ये घूम ही नहीं रहा भाई। इस ट्रैक्टर का करना क्या है मेरे को यही समझ नहीं आ रहा। बाकी इस ट्रैक्टर की डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है एक तरीके से, मानो तो इसकी मॉडिफिकेशन काफ़ी अच्छी कर दी है इन्होंने। लेकिन इस ट्रैक्टर के मतलब स्टेयरिंग इतना बढ़िया नहीं है जिस कारण से मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। इतनी देर से मैं इसको लेके आया और ये नीचे गया भाई। भाई हम कुछ नहीं कर सकते इस ट्रैक्टर का, तो इस ट्रैक्टर को अपन लोग चेंज करते हैं। अब मंगवाते हैं अपन लोग जॉन डियर का सबसे खतरनाक और डेंजरस ट्रैक्टर, जो कि देखो भाई क्या तगड़ा लग रहा है एक तरीके से, मानो तो फुल मॉडिफिकेशन के साथ आता है, ऊपर इसके डीजे लगा हुआ है। इसको ले जाते हैं जल्दी जल्दी से क्योंकि ये मेरे को काफ़ी सही लगा ट्रैक्टर। और इसके आगे ऊपर अपन लोगों को एक क्विंटल का वो आगे भी मिल जाता है जिसके कारण से ये खड़ा नहीं होगा आगे से, और जैसा कि ये खड़ा भी उतरा, मतलब ये खड़ा भी नहीं हुआ। ठीक है, और इतनी दूर तक ये आराम से आ गया और ये नीचे गया 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 भाई नीचे गया गया नीचे गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा बूस्टर यूज़ करता हूँ क्योंकि बूस्टर हम उसी कंडीशन में यूज़ करते हैं जिस कंडीशन में हमारा ट्रैक्टर अपना मरने वाला होता है। ठीक है, ये अपने यूज़ किया और ये ट्रैक्टर आराम से आ गया। ठीक है, अब आ रही है इसकी सेकंड राउंड में, और मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये ट्रैक्टर इसमें भी चढ़ा जाए क्योंकि भाई ये इतनी दूर आ गया। तो मेरे को क्या लगता है ये सेकंड वाला थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि ये ऊपर ज़्यादा है, तो ये इसके ऊपर चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा ये तो मेरे को पता नहीं। बट ये जा रहा है आराम से, जा रहा है अच्छी तरीके से। अगर इसके ब्रेक बढ़िया हुए तो ये पक्का जीत जाएगा, लेकिन नहीं 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 ये ब्रेक बढ़िया नहीं है यार क्या करूँ मैं भाई, इसका करूँ क्या भाई, इसका ब्रेक बढ़िया नहीं था। सही बताऊँ तो थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो गई थी जिस कारण से मतलब कि ये नीचे चला गया। खैर कोई बात नहीं, इस ट्रैक्टर को करते हैं चेंज क्योंकि आगे वाला ट्रैक्टर इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ठीक है, और इससे भी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। तो हमारे पास था ये जॉन डियर, अब लेते हैं अपन लोग न्यू हॉलैंड जो कि काफ़ी तगड़ा और शानदार ट्रैक्टर है। वो कलर देखो काफ़ी गजब ट्रक कलर लगा मेरे को इसको, मतलब क्या गजब का कलर है यार इस ट्रैक्टर का, और काफ़ी गजब है। ऊपर छोटा सा डीजे भी लगाया हुआ है इनका जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है और मस्त लग रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड तो इसने भाई मक्खन की तरह पार कर लिया एक तरीके से, मान लो रुक गया गया भाई। इसके ब्रेक इतने बढ़िया नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से चलाना होगा। अगर ये ब्रेक के अंदर इतना ऐसा रहा ना ढीला तो मतलब कि हम हार जाएंगे जल्दी और अपना ट्रैक्टर भाई हार जाएगा। ठीक है, तो ये गया ये मतलब कि सेकंड राउंड में, और मैं चाहता हूँ कि ये भी पार कर ले भाई। इसने धुआं भी नहीं फेंका, सही बताऊँ तो मतलब कि एंड में इसने धुआं भी बंद कर दिया था, यानी ट्रैक्टर के अंदर पावर तो है भाई, कुछ भी कहो मतलब ट्रैक्टर पावरफुल तो है ये। और ये गया 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 ये नीचे गया यार, थोड़ी सी मेरी लापरवाही की वजह से ये ट्रैक्टर नीचे चला गया, वरना ये ट्रैक्टर जीत सका था। खैर कोई बात नहीं, रूल इज़ रूल, अब हम लोगों को ट्रैक्टर को चेंज करना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास अर्जुन जो कि काफ़ी तगड़ा और शानदार ट्रैक्टर है, बट इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये भी उसी ट्रैक्टर की तरह कंट्रोल नहीं होता। देखो इसको मैंने पीछे वाला आगे वाला एक्सीलरेट कर रहा हूँ, फिर भी ये पीछे जा रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसके अंदर। और लेकिन पीछे से इसको मॉडिफाई अच्छी तरीके से किया हुआ है, डीजे देखो कितना बड़ा है यार इसके पीछे, और तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं है इसके अंदर, बस इसके अंदर डीजे मॉडिफाइड किया हुआ जो कि काफ़ी तगड़ा लग रहा है। और आगे एक क्विंटल का वो भी लगाया हुआ जिसके कारण से आगे से खड़ा नहीं होगा, बट मैं इसको कोशिश करूंगा जिताने के लिए क्योंकि इसके अंदर पावर तो अच्छी खासी है। अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो ये तगड़ी तरीके से जीत सकता है हमारा ट्रैक्टर। ठीक है, ये ट्रैक्टर हमारा विनर हो सकता है। एक बार फर्स्ट राउंड तो इसने आसानी से पार कर लिया, लेकिन ये नीचे चला गया भाई, इसके अंदर पावर संभालने की औकात ही नहीं है भाई, सही बताऊँ तो। ठीक है, अर्जुन को अपन लोग छेड़ते हैं। अब लिखते हैं अपन लोग मेसी, ये देखो क्या तगड़ा ट्रैक्टर है भाई, ये सबके दिलों पे राज करने वाला ट्रैक्टर है एक तरीके से, मानो सबसे मस्त ट्रैक्टर है। लेकिन इसी के अंदर भी वही सेम प्रॉब्लम है, मतलब कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है और अपन लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देखो ये मतलब कि आगे जा रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके अंदर जाए बट नहीं कर रहे कोशिश। देखो हम कोशिश तो कर रहे हैं बट ये नहीं हो रहा क्योंकि ये भाई ये रुक ही नहीं रहा है, इतनी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ ये रुक ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। और ये देखो ये नीचे गया, खैर ये ट्रैक्टर भी हार गया। इस ट्रैक्टर को भी चेंज करते हैं और अब अपन लोग लेते हैं महिंद्रा, ये है सबसे प्यारा और शानदार ट्रैक्टर रेड कलर के अंदर। तो सही बताऊँ तो ये चलती फिरती मशीन लगती है एक तरीके से, मानो तो काफ़ी तगड़ी लगती है और जीरो मॉडिफिकेशन के साथ आता है ये, यानी कि इसको मॉडिफाइड अपन लोग कर सकते हैं लेकिन अपन लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमें टेस्ट करना है इसका भाई। सही बताऊँ तो इसकी ड्यूरेबिलिटी और मतलब कि इसकी पावर टेस्ट करनी है हमें, ये कितना दम है इसके अंदर। ठीक है, और ये अपने दम को कितना संभाल के रख सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट राउंड है और ये धुआं मत छोड़ यार, पहले ही राउंड में धुआं मत छोड़ सही बताऊँ तो। ठीक है, मैं तेरे को जिताना चाहता हूँ कैसे भी करके।
ठीक है, इसने फर्स्ट राउंड यार कितनी अच्छी तरीके से पार कर लिया है, एक तरीके से मानो तो अच्छे से पार कर लिया इसने फर्स्ट राउंड। और अब बारी है इसके सेकंड राउंड की, और मैं चाहता हूँ कि ये जीते। ठीक है, ये सेकंड राउंड राउंड के अंदर थोड़ा सा ऊंचा है सेकंड राउंड, लेकिन ये जीत जाएगा जहाँ तक मेरे को यकीन है। बस नीचे मत गिर जाना यार, कोशिश करना कि बस यहीं पर रह जाए, और कैसे जैसे भी करके मतलब कि हमको जिता दे। ये इसने सेकंड राउंड भी पार कर लिया एकदम अच्छी तरीके से मानो तो, एक तरीके से बाप। और अब बारी है इसके तीसरे राउंड में, और मैं चाहता हूँ कि ये तीसरा भी पार कर ले, कैसे भी करके पार कर ले यार। ठीक है, ये गया 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 गया, नहीं मैं बूस्टर शूज़ नहीं करूँगा बिल्कुल भी, मैं नहीं चाहता कि ये बूस्टर शूज़ करके मतलब कि इसकी बेइज्जती कर दूँ मैं। ठीक है, ये वाला राउंड भी इसने अच्छे से पार कर लिया भाई, इस तरीके से मानो तो ये अपना पक्का विनर हो जाएगा। ये इसके लिए लास्ट है भाई, बेटे लास्ट लास्ट बस लास्ट वाला पार कर लिया ना तो पक्का अपन लोग विनर हो जाएंगे, यानी कि इस ट्रैक्टर को मैं पक्का विनिंग कर दूंगा। नहीं नहीं ये भी एक और है यार, मैंने सोचा कि लास्ट है। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे चला जाता बच गया भाई, मैं साइड से सीधा ही ले लिया मैंने, ये मेरी गलती होती, लेकिन मैं इसको जीता देता पक्का। ठीक है, ये वाला लास्ट है, और रॉकी स्टेरिंग लोगों पर कैसे खड़ा हो गया था, इसका मतलब टायर कैसे खड़ा हो गया था, और ये रुक गया 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 गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको पावर देने की, बट ये नहीं जा रहा। ठीक है, इस बार जाएगा मतलब थोड़ा सा पीछे करके करने पर जा रहा है, और ये गया भाई, ये ट्रैक्टर हो गया मतलब कि एक तरीके से मानो तो ये ट्रैक्टर इसने पूरे पड़ाव पार कर लिए। तो ये ट्रैक्टर है हमारा आज का विनर। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना।